जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। जीजेपी विधायक दुष्यंत चौटाला का खुलकर किया विरोध। दुष्यंत की को खरी खरी सुनाई और आपको बता दिया जाए कि दुष्यंत की कुर्सी खतरे में आई है। वो भी बुरी खबर आई है दुष्यंत चौटाला को लेकर के। आपको बता देंगे कि हाल ही में अभी गठबंधन और बीजेपी जीजेपी गठबंधन सरकार को लेकर के काफ़ी मुद्दा नज़र आया है। आपको बता दिया जाए कि जीजेपी विधायक पर काफ़ी नेताओं ने हड़कंप जैसा ही मचा दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा के दुष्यंत चौटाला एकदम अकेले जैसे हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी उनका सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। हरियाणा में लगातार पार्टी बदलाव चल रहा है, कोई इस पार्टी में आ रहा है तो कोई उस पार्टी में जा रहा है। 2024 में होने वाले इलेक्शन में काफ़ी तोड़फोड़ भी हो चुकी है। आपको बता दिया जाए कि जीजेपी के कई दिग्विजय नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं पूर्ण रूप से, और कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो बीजेपी पार्टी और जीजेपी पार्टी में आ चुके हैं। कांग्रेस के नेताओं के पास भी हमारे कुछ ऐसे हैं कर्मचारी जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और दुष्यंत चौटाला का अब की काफ़ी मन था कि हरियाणा में जो सरकार बने वो पूर्व बहुमत से मेरी सरकार बने, और मैंने 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन करने का ऐलान किया था तो मैं वो करूँगा भी। तो दोस्तों जुड़े रहे।